मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? मेरे को नीचे बताना जरूर कमेंट में। चलो, आज तो आपको थंबनेल देख के मालूम ही पड़ गया मैं आपसे आज किस बारे में बातचीत करने वाला हूँ। हाँ, आपने सही सुना। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मैं आपसे आज जिस बारे में बातचीत करने वाला हूँ है कि LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में आज का वैकेंसी आया है। टोटल जो वैकेंसी है उसका वैकेंसी है 300 वैकेंसी। इसका एलिजिबिलिटी क्या है, उसका कितना पोस्ट मिलेगा और इसके एडुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, वो सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इस वीडियो में। इस वीडियो से आगे बढ़ने से पहले मेरा दोस्त से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरा चैनल जो है, यह चैनल हाउ टू बांग्ला प्रो, इसमें आप नए हो तो प्लीज यह लाल वाला जो बटन है इसको दबा के आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ही सबसे पहले आपको इंटरनेट की दुनिया में जॉब कैटेगरी के जितने भी होता है न्यूज़, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब, हम ही सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाता है। तो इसीलिए आपको प्लीज़ मेरा जो चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वीडियो को आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, उसके पहले मैं आपको भी बोलना चाहूँगा कि मैंने पिछले जो मेरा वीडियो है, वीडियो में जो बोला था इंडियन बैंक में बहुत बढ़िया पोस्ट है जिसको आप सिर्फ ग्रेजुएट लेवल होने से भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर उस वाला की वीडियो जो वीडियो है इंडियन बैंक की, उसको भी आप देख सकते हो। तो आज की जो वैकेंसी के मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ ये है कि LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में जो वैकेंसी आया है उसका जो टोटल जो वैकेंसी है, वैकेंसी का आपको टोटल पोस्ट निकला है 300, जिसमें मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। और उसका जो एज लिमिट है, उसका एज लिमिट 21 से 32 तक है। उसका जो पोस्ट मिलने वाला है आपको वो है असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट मिलने वाला है, 150 पोस्ट मिलने वाला है। एग्जीक्यूटिव मैनेजर का आपको 50 पोस्ट मिलने वाला है। एग्जीक्यूटिव मैनेजर का आपको 100 पोस्ट मिलने वाला है। उसके साथ आपको टोटल पोस्ट जो मिलने वाला है वो है 300। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो हम लोग आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके साथ आपको 55% मार्क होना चाहिए। तो इस वीडियो को और भी आगे जानने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका जो ऑफिशियली जो PDF है उसका भी PDF का लिंक आपको मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं ऑफिशियल जो PDF है, PDF में जाके आपको कुछ आगे उसका जानकारी कुछ आपको देता हूँ। तो मैं चला जाता हूँ मेरा PDF में जाने के बाद आप देख सकते हो कि ये जो ऑफिशियली PDF है ये LIC का तरफ से आया है, जिसमें आपको जो 300 पोस्ट मिलने वाला है वो कौन सा स्टेट में कितना मिलने वाला है। सबसे तो बढ़िया बात है इसमें आपको चंडीगढ़ में मिलने वाला है, मध्य प्रदेश, बिहार, लगभग आपको सभी इंडिया के जितना भी स्टेट है सभी स्टेट में आपको एक ना एक जॉब मिलने वाला है। त्रिपुरा, खास करके हम त्रिपुरा की बात करते हैं, त्रिपुरा में भी आपको जॉब मिलने वाला है। मतलब त्रिपुरा में एक पोस्ट नहीं है, मतलब इसका यह मतलब नहीं त्रिपुरा में बस सिर्फ एक ही पोस्ट है, मतलब आप इसके लिए अगर एलिजिबल हो, अगर आप इसका एग्जाम पास कर लेते हो तो अभी आपको दूसरा स्टेट में मिलेगा। मतलब त्रिपुरा में एक ही, त्रिपुरा से एक ही पोस्ट है ऐसा नहीं है, त्रिपुरा में पोस्ट बहुत सारा है, लेकिन त्रिपुरा में आपको फिलहाल तो एक ही वैकेंसी खाली है त्रिपुरा में जॉब के लिए। चाहे आप त्रिपुरा से हो आपको जॉब करना पड़े, ऑल इंडिया बेसिक आपको जॉब करना पड़े, चाहे तो आपको पंजाब में भी जॉब लग सकता है, हिमाचल प्रदेश में भी, गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी, तमिलनाडु में भी, केरला में भी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, चाहे आप किसी के स्टेट में आपका जॉब जो है आपका लग सकता है, ऑल इंडिया है आपके इसके लिए। इसके लिए आप ऐसा मत सोचिए कि PDF में तो आपको मिल जाएगा एक ही त्रिपुरा के पोस्ट है, अप्लाई करो या नहीं करो। तो प्लीज़ मेरा मानना है कि आप अप्लाई कीजिए, आप इसके लिए मत सोचिए कि आपको एक ही पोस्ट मिला है मेरे को यहाँ पे। तो मैं वीडियो से आगे बढ़ता हूँ, पोस्ट के बारे में तो मैंने बातचीत कर लिया। उसका जो पे स्किल मिलने वाला है वो तो बहुत 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 बढ़िया मिलने वाला है, पे स्किल जिसमें आपको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। आपको जो शुरू होता है 13,980 से मिला के पूरा एकदम 42,000 तक मिलने वाला है, सब कुछ बढ़िया। आपको जो एकदम पूरा फर्स्ट क्लास जो आपको मिलने वाला है वो सैलरी मिलने वाला है, विथ 7CV के हिसाब से आपको पूरा सेंट्रल के हिसाब से मिल जाएगा। मैं जो अभी एडुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ फिर से, पोस्ट नंबर 1 जो है इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके साथ आपको 55% मार्क होना चाहिए। उसका जो एज लिमिट है 21 से 28 तक आपको एज होना चाहिए। पोस्ट नंबर 2 जिसमें आपको 21 से 28 तक आपको एज होना चाहिए, उसके साथ ग्रेजुएट मिनिमम आपको 60% होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आप साइंस में हो, आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो। पोस्ट नंबर 3 असिस्टेंट मैनेजर, इसके लिए आपको 21 से 28 तक एज लिमिट होना चाहिए, ग्रेजुएट मिनिमम 60% मार्क विथ 2 ईयर्स डिप्लोमा। आपको उसके साथ में 2 ईयर्स डिप्लोमा चाहिए, MBA हो, मास्टर ऑफ द बिजनेस एप्लीकेशन 2 ईयर फ्रॉम टाइम MMS की हो, 2 ईयर्स टाइम फ्रॉम PGDBA हो, PGDM, चाहे आपको किसी भी स्ट्रीम में
60% होना चाहिए, उसके साथ आपको 2 साल का डिप्लोमा होना बहुत जरूरी है। उसके साथ आपको जो एज लिमिट है 21 से 21 तक, वो 1/1/2018 एस पर रिलैक्सेशन, आपको 1/1/2018 से हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके साथ में जो एज रिलैक्सेशन की जो बात आता है, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलने वाला है और एसटी एससी को 5 साल का छूट मिलने वाला है। एज पर रिलैक्सेशन जो भी है आपको गवर्नमेंट के हिसाब से आपको मिल जाएगा। इसका जो ऑनलाइन का जो डेट है, ऑनलाइन का डेट जो है उसको, ऑनलाइन का डेट आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसका स्टार्टिंग का ऑनलाइन का डेट है कल से, यानी कि 21 अगस्त से आप अप्लाई कर सकते हो, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा 6 सितंबर को। आपको ऑनलाइन मतलब एग्जाम का जो है उसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप क्लोज हो जाएगा। डाउनलोड ऑफिस से कॉल लेटर जो है इसका आप 24 सितंबर से आप उसका कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो। ऑनलाइन एग्जामिनेशन असिस्टेंट आपको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में, वो भी अपना सिटी, जी भी आप जिस सिटी में हो उस सिटी में। सबसे तो बढ़िया बात है इसका एग्जाम सेंटर अगरतला में भी है। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ये जो PDF है आप इसी PDF अपना मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो, तो इसका भी लिंक मैंने मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो प्लीज़ आप वीडियो मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप जो मेरा PDF का लिंक है वो भी आप अपना खुद से रीड कर सकते हो। तो उसके लिए जो मैं आगे बढ़ता हूँ वीडियो के, आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, कहाँ में, लगभग इंडिया के सभी स्टेट में आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। इसके लिए आप एकदम टेंशन नहीं कर रहे, उसका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन स्टार्ट, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन ही थ्रू करना पड़ेगा बैंक के चालान के थ्रू। इसका जो एग्जाम फीस की बात करें तो हम, इसका एग्जाम फीस थोड़ा मतलब ज़्यादा है। असिस्टेंट के लिए है 500 रुपया सभी के लिए, मतलब आपको किसी भी पोस्ट में अप्लाई करना है तो भी तो आपको 500 देना पड़ेगा एग्जामिनेशन फीस, क्योंकि कंप्यूटर CBT कंप्यूटर बेसिक टेस्ट होगा आपको। उसके साथ में मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये जो PDF है अगर आप इसको रीड करना चाहते हो अपना खुद से, तो इसका भी लिंक मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। क्या आप इसके लिए इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ ये जो है, ये जो भी आपके लिए शायद आपके लिए काम बन जाए 300%, इसके लिए मत सोचो, क्योंकि मेरे को तो एक ही चाहिए, वो भी 299 बाकी है। आप बस सिर्फ एक ही बात सोचो, मेरे को बस सिर्फ एक चाहिए और भी 299 पोस्ट बाकी है। तो गुड नाइट।